हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। तो ये हमारा जो वर्डप्रेस का पैनल है, ये हमारा डैशबोर्ड है अभी, तो इस पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा होम पेज है एक तरीके से वर्डप्रेस का। तो इसमें हमने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाना है, जो ये नीचे देगा प्रोडक्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, हमारे जितने प्रोडक्ट ऐड हैं वेबसाइट में, वो सारे यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, वर्डप्रेस में तीन चार तरीके से प्रोडक्ट ऐड होते हैं। एक तो होता है सिंपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट है जिसमें हमने सिर्फ नाम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, तो हमारा सिंपल प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। दूसरा है हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल कैसे, जैसे हम टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो टी शर्ट में कम्बिनेशन आ जाते हैं, जैसे कलर हो गया, कलर का कम्बिनेशन हो गया रेड ग्रीन ब्लू, और साइज़ का कम्बिनेशन हो गया स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज। तो पहले हम आपको सिंपल प्रोडक्ट ऐड करके दिखाएंगे। हमने सबसे पहले यहीं पर जाना है, ये सिंपल प्रोडक्ट है जो ये ऑलरेडी सेलेक्ट होता है। तो अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, तो नाम हम एक वेबसाइट खोल रखी है टाइम बचाने के लिए, वहाँ से हम नाम उठा लेते हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट का नाम कॉपी मार लिया यहाँ से, और यहाँ पे हमने पेस्ट मार दिया उसको। अब आते हैं दोस्तों, नीचे आता है ये डिस्क्रिप्शन का सेक्शन, और कोई भी ऑप्शन हमने छेड़ना नहीं है इसमें। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम इसका डिस्क्रिप्शन भी कॉपी मार लेते हैं एज इट इज़। ये हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया इसका, तो ये आप लोगों ने पहले से बना के रखना है ताकि आपका टाइम बचे। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब दोस्तों, इसके नीचे आता है सेक्शन प्राइस, रेगुलर प्राइस। इसमें दो प्राइस दे रखे हैं, रेगुलर प्राइस है प्रोडक्ट का एमआरपी। तो हम यहाँ पे एमआरपी देख लेते हैं प्रोडक्ट का कितना है। तो प्रोडक्ट का एमआरपी इन्होंने डाला हुआ है 299, तो हम यहाँ पे 299 डाल देते हैं। और दूसरा हमारा सेल प्राइस। सेल प्राइस है मतलब डिस्काउंट के बाद कस्टमर को कितना प्राइस दिखेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 45% ऑफ, तो ये हम 165 डाल रखा है इन्होंने, हम इसको 165 डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बाकी में हमने कुछ नहीं छेड़ना है। इन्वेंट्री, अगर आप इन्वेंट्री को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी इन्वेंट्री ट्रैक हो जाएगी कि 10 आपने डाले थे, या फिर आप ऑलवेज आपके पास अवेलेबल रहता है तो वो अलग है। अब यहाँ पे एक SKU मांग रहा है, SKU होता है आइटम कोड या ID प्रोडक्ट की, जिससे हम उसको रैक में रखेंगे। तो वहाँ पे किस हिसाब से हमने उसकी नेमिंग कर रखी है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं बैम्बू TB। TB मतलब 2×4, यानी कि 4 का हमारा सेट है। तो ये हमने एक आइटम कोड बना दिया इसका। बाकी शिपिंग है जो हम यहाँ पे इसमें वेट वगैरह डाल सकते हैं, तो वेट हमारे प्रोडक्ट का लगभग, ये वेट हमने ध्यान रखा, यहाँ पे ग्राम में हमारी वेट दे साइज होगी रखा है। वो हम डाल देते तो हैं वेट हमने 20, यहाँ पे डाल दिया 350 ग्राम, चौदह और 7, या जो भी जिस भी आप उसे पैक कर रहे हो वो डायमेंशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। शिपिंग क्लास हमने खाली छोड़ देना है। तो नीचे आता है हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है, जो ये हमारा दे रखा है ना, ये बॉक्स में ये बना हुआ है, ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। इसमें मोटा मोटा कस्टमर को देखते ही पता लग जाता है कि क्या है। नीचे इसका फुल डिस्क्रिप्शन है, तो इसको हम देखते हैं कॉपी हो जाएगा क्या। तो ये हमने कॉपी किया है, अब ये देखते हैं वहाँ पे डब्बा दिखेगा या नहीं। तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आ गया। तो ये एज इट इज़ हमारा आ गया, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है। तो बाकी इसमें हमने कुछ नहीं छेड़ना है। तो अब आते हैं प्रोडक्ट की हम इमेज ऐड करेंगे। तो इमेज के लिए हम प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सेट इमेज पे हमने क्लिक करना है। तो सेट इमेज में इसमें दो ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, मीडिया लाइब्रेरी, जो आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड है उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे पहले से दिखाएगा, जितनी भी फ़ोटो ऐड है, चाहे वो लोगो हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने नई फाइल अपलोड करनी है, तो हमने यहाँ अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ड्रॉप फाइल टू अपलोड, या हम ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम तो ये हमारी फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं, तो पहली फ़ोटो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। ये फ़ोटो हम एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल दबा के।
तो ये चारों पांच हमारी फोटोज हैं जो अपलोड हो चुकी हैं। अभी मैं इसमें एक फोटो सेलेक्ट करूंगा जो हमारे होम पेज पे दिखेगी प्रोडक्ट की। तो इनमें से मैंने मैंने ये वाली सेलेक्ट करी है, इस पे देखो टिक है, तो सेट प्रोडक्ट इमेज, जैसे ये यहाँ पे दिख रही है ना होम पेज पे, तो ये हमारी मेन इमेज है। उसके नीचे जो बाकी जो इमेज होंगी वो क्लिक करने पे दिखेंगी, तो ये हमारी प्रोडक्ट इमेज होगी। अब आते हैं प्रोडक्ट गैलरी पे। अब इसमें हम सारी इमेज एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐड टू गैलरी कर दिया मैंने, जो ये चार पांच इमेज है। अब इसमें नीचे ऑप्शन देख रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरी का, कि हम इसको कौन सी कैटेगरी में डाल रहे हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हम कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं, फिर जो हमने पहले से बना रखी हैं उसमें हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी इसको जनरल आइटम में डाल रहा हूँ, किड्स में डाल देता हूँ, मैन वुमेन, ये चारों पाँचों कैटेगरी में इसको डाल देता हूँ। अब आते हैं प्रोडक्ट टैग। प्रोडक्ट टैग तो होता है आपका कीवर्ड। कीवर्ड जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे आपने टाइप करा बैम्बू, तो जैसे ही आपने बैम्बू टाइप करा है तो ये नीचे कुछ इन्होंने ऑटोमेटिक सजेशन दिखा दें। जैसे ये बैम्बू इंडिया, ये कीवर्ड है, बैम्बू बोतल यानी कि बांस की बोतल, ठीक है, बैम्बू सूट, तो ये सारे कीवर्ड हैं। तो ऐसे ही हमने कीवर्ड यहाँ पे डालने हैं। तो कीवर्ड के लिए हमने एक वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से हम कीवर्ड उठा लेंगे। कीवर्ड टूल, इस पे हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट पे, पहले लिंक पे हमने क्लिक करना है गूगल पे, तो इस वेबसाइट पे हम आ गए हैं। तो इसमें हमने कीवर्ड कौन से प्लेटफॉर्म के लिए, यूट्यूब के लिए चाहिए, ठीक है, बिंग के लिए चाहिए, अमेजोन के लिए चाहिए, तो सारे ईबे के लिए चाहिए, ऐप स्टोर के लिए चाहिए, तो हम गूगल के लिए कीवर्ड चाहिए। तो इस पे हम डाल देंगे बैम्बू टूथब्रश। तो जैसे ही हमने ये सर्च करा तो ये कीवर्ड हमारे सामने आ गए हैं। अब ये 429 डाल रहा है, तो इसमें से हम शुरू के 8-10 सेलेक्ट कर लेते हैं। बेस्ट बैम्बू टूथब्रश, बैम्बू टूथब्रश होल्डर, ठीक है, हम किस ब्रांड नेम वाला सर्च नहीं करना है, बैम्बू टूथब्रश नियर मी, हाउ टू डिस्पोज बैम्बू टूथब्रश। तो ये हमने लगभग 8 कीवर्ड सेलेक्ट किए। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है इसको। ये हमारे कीवर्ड हैं जो कॉपी हो गए, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है। तो अभी हम नोटपैड खोलेंगे, नोटपैड में हम इसको पेस्ट करेंगे कीवर्ड को, और ये जितने कीवर्ड हैं इनके पीछे हमने कॉमा लगा देना है। ठीक है, तो अब हमने इनको सेलेक्ट करना है और कॉपी कॉपी करने के बाद अब हमने यहाँ पे डालना है इनको और ऐड कर देना है। तो ये सारे कीवर्ड हमारे ऐड हो चुके हैं, और अब हमने इसको कर देना है पब्लिश प्रोडक्ट को, पब्लिश। जैसे ही हम पब्लिश करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट है जो पब्लिश हो चुका है, लेकिन ये अभी भी एडिटिंग मोड में ही है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है व्यू प्रोडक्ट, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू टैब में ओपन कर देंगे। तो ये जो हमने प्रोडक्ट अभी डाला था ये हमारे वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गया, और कस्टमर चाहे तो यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है। अभी देखिए इसमें ये 45% ऑफ आ गया है, ये प्रोडक्ट की इमेज आ गई है, कस्टमर इन पे क्लिक करता जाएगा तो ये उसको दिखेंगी, और ये हमारा नाम आ गया प्रोडक्ट का, ये रेट आ गया है, ये थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने डाला था वो आ गया है, नीचे हमारा ऐड टू कार्ड, बाय नाउ और सोशल मीडिया आइकन आ गए हैं हमारे। तो ये प्रोडक्ट हमारा अपलोड, ये यहाँ रिव्यू आ गया और यहाँ पे ये नाम आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं, और बाकी हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है सजेशन में। तो इस पे प्रोडक्ट डालने का ये तरीका है। तो दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।